सोचिए आजकल 10 मिनट की ट्रैफिक जाम में हमारी हालत पतली हो जाती है, लेकिन एक ट्रैफिक जाम ऐसा है जो 73 सालों से लगा हुआ है। बेल्जियम में 73 साल पहले एक ट्रैफिक जाम लगा था जिसमें फंसी कारें आज तक जाम में फंसी हुई है और वहीं खड़ी हुई है। स्थानीय लोगों की कहना है कि ये कारें बेल्जियम में आए अमेरिकी सैनिकों की है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अपनी कारें बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी अमेरिकी सैनिक इन्हें लेने वापस नहीं आया क्योंकि सैनिकों के पास विश्व युद्ध के बाद इतनी आर्थिक समस्याएं थी कि वह इसे वापस ले जाने का खर्चा नहीं उठा सकते थे। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की निशानी के तौर पर इस स्थान को साफ नहीं कराया है और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए ये सब ऐसे ही रखा है। जो विश्व के सबसे बड़े कार खंडर और 73 साल पुराने ट्रैफिक जाम के रूप में जाना जाता है। इस ट्रैफिक जाम के बारे में आपके क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।